तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो सबको जला के राख कर दूंगा। कहाँ छोटू बता, छोटू कहाँ है? मुझे सच में कुछ नहीं पता, मुझे बिना बताए वो कहाँ चला गया। बता दियो। वो कहाँ गया ये मुझे पता नहीं, पर कभी कभार वो मुझे फोन जरूर करता है। फोन कर। एक मिनट रुको, एक फोन आया है। हेलो, मेरे जिगर का टुकड़ा। छोटू तुम अभी कहाँ हो? क्यों, मेरी याद आ रही है? मिलना चाहती हो क्या? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं नहीं आ सकता, तुम तो जानती हो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटू मैं भी मिलना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। अच्छा एक काम करो। हाँ? शहर के बाहर हाँ? ड्रीमलैंड होटल है। अच्छा? अगले शुक्रवार को हाँ? वहीं पे मिलते हैं। ठीक है। पैसा तुम दोगी या मैं दूंगा? छोटू ओके 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 ओके, पैसा मैं दे दूंगा। हाँ? सुनो, किसी को बताना नहीं, सीक्रेट है। फोन रखता हूँ। ओके बाय। सुनो, 108 में एक बियर भेजो है। जानू, अरे ये तो खुला हुआ है। जानू चल बोल, कहाँ है चाय? नहीं जानता। सच में जानता नहीं है या मुझे बताएगा नहीं? जानता हूं, बताऊंगा नहीं। ये बताएगा नहीं। लॉयल्टी, अगर मुझे बता देगा चाहे कहां है तो तेरी मौत आसान होगी, वरना तेरी आत्मा भी कांप जाएगी। मैंने बोला ना नहीं बताऊंगा। और सोच ले दादा। अब बता कहाँ है वो? तड़प के चलो, चलो तुम्हें पता है अब क्या करना है? अब इन दोनों को ढूंढ कर मार देना है। मैंने मारने के लिए नहीं कहा, मुझे जय जिंदा चाहिए। हाँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं गांव आने का सोच रही थी कि दादी से मिला। कोई बात नहीं, तू गांव की चिंता छोड़, दादी ने क्या भेजा है? छोटू हाँ? जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे बाहर जाना है। ओके। जय, ये सब तू लेकर आया है क्या? हाँ, हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना। सही है। अपने लिए लाए क्या? हाँ अपने लिए, क्यों? ओहो, अरे तू ये सब कब से पहनने लगा? अरे सालों से यही पहन रहा हूँ, तुझे नहीं पता? सालों से, लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। जल्दी से मेरे कपड़े निकाल के रख दे, मुझे बाहर जाना है। तू बहुत बदल गया है। ए, जो बोला वो कर। ठीक है। छोटू हैं? ये सब क्या है? तूने निकालने के लिए कहा था इसलिए निकाल कर रख दिया। अरे ये कपड़े आदमी पहनते हैं क्या? तूने ही तो कहा था निकाल कर रखो, मैं आकर पहनूंगा। अबे तेरी ये कपड़े मेरे हैं क्या? तो फिर ये किसका है?
लगता है शॉपिंग मॉल में इसका मतलब तेरी गर्लफ्रेंड का सिर्फ शॉपिंग के लिए गए थे, ज्यादा मत सोच। अच्छा तो सिर्फ शॉपिंग के लिए गया था। तू जानता है जानवी भी उसे जानती है? जानवी चांदनी को जानती है? जानवी और चांदनी क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्लोज फ्रेंड है? तुम चांदनी की बात कर रहे हो ना? तो फिर किसकी बात कर रहा है तू? छोटू, इंसान को किसी पे शक नहीं करना चाहिए, शक किया तो गए। ओह आई सी। लेकिन तुम चांदी चांदी करते रहते हो ना, तो उसे पटा क्यों नहीं लेते? अच्छा तो ग्रीन सिग्नल मिल गया है। हाय संध्या। हाय। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, यहाँ का काम मैंने खत्म कर दिया ना, तो अब दूसरी नर्सरी ढूंढनी पड़ेगी। तुमने कहा था ना कि मुझे एक और नर्सरी बनानी है, मतलब गार्डन। गार्डन चाहिए? एक काम कर, रास बिहारी रोड पर जाएगा ना, लेफ्ट माना, वहाँ पे तुझे ऐसे ही गार्डन मिल जाएगा। क्या बोला तूने? तू भूल गया क्या? रास बिहारी रोड पे लेफ्ट मारेगा ना, वहाँ पे ऐसे ही गार्डन मिलेगा। मिलेगा, लेकिन वो इस तरह का तो नहीं होगा ना। मेरी ये बात तूने रिपीट क्यों नहीं की? ठीक है, वो जो लड़की थी ना जो वहाँ काम करती थी, उसने काम छोड़ दिया है, अब वो क्लब में डांस करती है। अच्छा बेटा, बाहर पौधे सूख रहे हैं, जरा उनमें पानी डाल दो। वही जो लेफ्ट में पड़ा है वही ना? हाँ ठीक है। मैंने कहा था ना इस तरह की नर्सरी नहीं है। ठीक है, मैं गांव चली जाऊंगी। तेरी तो अगर मुझे मिलना हो तो गाँव आना पड़ेगा। मतलब तुम क्यों मिलने आओगे? क्यों मिलने? कॉफी? या कॉफी। तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना, क्या बात है? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्यों पूछ रही हो? जनरली हैंडसम तो हो ही, स्टाइल, नर्सरी, कार, ओके लुक्स। आई मीन तुम्हें कोई लड़की ना पसंद करे इसका कोई रीजन ही नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम हमेशा घड़ी क्यों देखते रहते हो? और तुम्हारे पैर एक जगह टिकते ही नहीं है, आज यहाँ पर कल वहाँ पर, हाँ, और अपना हाथ कभी जेब से निकालते ही नहीं हो, ऐसा क्यों है भाई? तुम इस सवाल का जवाब कैसे दूँ? 1 मिनट। हाँ वो ऐसे सवाल क्यों पूछती है? कैसे सवाल सर? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। ये कैसा सवाल कर दिया? गर्लफ्रेंड है कि नहीं है? और तुमने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो तुरंत बता देना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद है या नहीं है। लगता है तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, खुद पर पूरा भरोसा होना जरूरी है। लगता खसक गया ये। पहले सीधे खड़े हो, जेब से हाथ निकालो, अब जाके संध्या से कह दो मेरी कोई गर्ल वर्ल फ्रेंड नहीं है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अंदर जाके यही सोच रहे थे क्या? अरे सोचना क्या है, गर्लफ्रेंड के लिए टाइम होना चाहिए, और मेरे पास टाइम कहाँ है? बिजी। दिन भर नर्सरी में रहते हो और वहां पे मैं भी होती हूँ, तो फिर बिजी कैसे हुए? कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाय। संध्या। हाय। हाय। और ये तनु, नाम क्या है इसका? जानवी इसका नाम है। तुम यहाँ कैसे? हम यहाँ ये सोचकर आए कि यहाँ कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। और तुम यहाँ? मैं भी यहाँ बैठकर कॉफी पीने आई हूँ। ओह नाइस, गुड, है कॉफी? मुझे तुमसे बात करनी है। ओह श्योर, जरूर बात करेंगे। या मुझे अभी बात करनी है। या श्योर। सी यू। हाय, सी यू। बैचमेट। राइट, चेक प्लीज। हे जानवी, तो तुम यहाँ हो?
फोन साइलेंट कर दिया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सही कहा ना? देखो जानवी, मेरी बात सुनो। एक्सक्यूज मी, तनु जानवी ना? देखो देखो देखो, मेरी बात मानो। जानवी देखो, हम बैठकर भी तो बात कर सकते हैं, प्लीज मेरी बात मानो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाउ डेयर यू, अब मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। ए छोटू देखो, क्या हुआ मैडम? तुम जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है, जाता हूँ। और तू, आई विल किल यू। आई विल किल यू। बस करो जानवी, जानवी बताता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बताओ मुझे, मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। जानवी देखो, शांत हो जा, शांत हो जा। गुस्सा मत किया करो, बच गए। अरे शांत हो जाओ, लगती हो जानो, जानो देखो, शांत शांत। वो मुझसे ज्यादा सुंदर है, रिलैक्स रिलैक्स, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं शायद क्लब में डांस करती हूँ, इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? ए चुप रहो, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन शादी जो है तुमसे, जरा बताया था ना तुम्हें, हमारे बीच कुछ नहीं रहा ना, और अब तो मैं शायद इस घर में रहने भी नहीं आ सकती। तुम मुझे भूल जाओगे, उसके आने से सब कुछ बदल जाएगा। अरे नहीं जानू, कुछ नहीं बदलेगा, कहा था ना मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। फालतू की बातें सोचना बंद करो, समझ गए? बूम, सभा सभा सभा। ये क्या है बेटा, इतना पैसा देखकर तो मेरी भी नीयत खराब हो रही है। सभा तूने कितना लूटा है? मजाक मत करो बेटा। अरे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ रे, ये पैसा कहाँ छुपा रखा था? हा? या कोई लड़की का चक्कर है? नहीं बेटा, अपनी रखेल को देगा क्या? देखो गलत बात मत करो। वेट 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 वेट, मेरा पैसा अगर मैं उठा रहा हूँ तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तू मेरे बाप का कुत्ता है तो कुत्ता बनकर है, लाइक अ डॉग। हाँ मैं कुत्ता हूँ पर वफादार हूँ, इसलिए आपके पिताजी ने यह काम मुझे सौंपा है। ये पैसे नहीं लेने दूंगा। हट जाओ ओल्ड मैन। नहीं बेटा ये पैसे मत दो, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ बेटा प्लीज। You know what? ये क्या कर रहा बेटा? क्या कर रहे हो? नहीं ऐसा मत करो बेटा, देखो मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? सभा, वो तो छोटा बच्चा है, उसे छोड़ना। नहीं भगवान, आप सिर्फ एक बार मुन्ना से बात करके उसे उसकी हरकतें बदलने को कहेंगे तो वो थोड़ा समझ जाएगा। सभा, तुम सभी लोगों को मिलकर मुन्ना को संभालना चाहिए। पर ये क्या है हा? मुन्ना के खिलाफ कुछ भी सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं भगवान, आप सिर्फ एक बार आगे वो नहीं उठा दूंगा मुन्ना। जैसे क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्यों आए? मेरी प्रॉब्लम क्या है? ये क्या कर रहे हो? प्रॉब्लम क्या है? क्या कर रही है? मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कंप्लेंट करने की? व्हाट? ये सब व्हाट द हेल आर यू? सुनो बेटा, मेरे बारे में मेरे बाप को कंप्लेंट कर रहा है। तुम्हारी भलाई के लिए बेटा। मेरी भलाई? मैं अपनी भलाई बुराई अच्छे से जानता हूँ, तुझे क्या मतलब? तू मेरे बाप का कुत्ता है ना बेटा, सब देख रहे बस छोड़ दो बेटा। मुझे धक्का देता साले, मुझ पे हाथ उठाता है? मेरे बाप ने भी मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया, समझा? How sexy, huh? सब, how's that feel, huh? God damn idiot. अब बता कि मैंने तुझ पे ये किया, फिर मैं तुझे बताता हूँ। अगर तूने बताने की हिम्मत भी की तो तुझे जिंदा चला दूंगा।
संपत, सारे रास्ते अगर बंद भी हो जाए तो भी एक रास्ता हमेशा खुला ही रहता है, है? सबा सभापते, हाँ, तूने मेरे साथ नमक हरामी की, मेरे साथ मुझे धोखा देने वाले कुलकर्णी के साथ मिल गया। जो हो गया उसे भूल जाइए दादा, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचिए। हमारे पास क्या है, कहाँ से आता है, वो हमसे अच्छा सभापति जानता है। सभापति को मार दो, सारा किस्सा ही खत्म। यकीन, इतना सोच क्यों रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो एक बार धोखा दे चुका है वो आगे भी धोखा देगा। सभापति गलत आदमी है, मैं जानता हूँ डैड। यू गॉट टू किल हिम। मार दो सभापति को, मार दो। यह दैट्स गुड, दैट्स द वे। क्या बात कर रहे हैं दादा, सभापति ने सालों हमारे लिए काम किया, उसे मारने की बात कर रहे हैं? तो क्या करें, उसे छोड़ दे क्या? बाद में कुलकर्णी के एरिया में गए तो जिंदा वापस आ पाएंगे? तो है ना, कितने लोग मारे जाएंगे। अब मैं क्या सबकी अर्थी सजाता बैठूंगा? ए जे, डर लग रहा है क्या? डैड, मैंने आपको पहले ही कहा था, वो जोकर आपके काम को और बिजनेस को बर्बाद कर देगा, बर्बाद। जय, तुम जानते हो जय, हम लोगों ने यह मुकाम कितनी मुश्किल से हासिल किया है, कितनी मेहनत करके, रात रात जाकर हमने अपनी रातें काली की है। अरे, अपने खून की एक एक बूंद हमने ये पोजीशन हासिल करने में लगा दी है। अब उसकी वजह से हमें फिर से वही जिंदगी जीनी पड़ेगी। नो टेल हिम नाउ। ऐसी बात नहीं है दादा। जाएगा कि नहीं, बोल, जाएगा कि नहीं? ठीक है, जाऊंगा, लेकिन मारूंगा नहीं, जाकर उसे यहां लाऊंगा। और तब आप उससे यह पूछना कि उसने ऐसा क्यों किया है। वो गलत हो तो मार देना। हैप्पी बर्थडे राहुल। थैंक्स मैन। सीट बेल्ट क्यों नहीं पहना? सीट बेल्ट क्या? ए, तुम कौन हो? मेरे पापा को जानते हो क्या? मैं जानता हूँ राहुल, तुम्हारे पापा मेरे दोस्त हैं। चलो। क्या? हाय। व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये कौन है? ये संपत का बेटा है। मैं सभापति को लेने जा रहा हूँ। हाँ हाँ। अब समझा? इसको यहाँ रख के उसके एरिया में जाकर सभापति को लाओगे। उसको लाने के लिए ये इंश्योरेंस है, सही है ना? आज तेरा बर्थडे है ना, अच्छी तरह सेलिब्रेट करना। या इट्स माय बर्थडे। तेरी एज क्या है? वो क्यों पूछ रही है? अंडर 18 नॉट अलाउड। भाई, मैंने नाकाबंदी कर दिया। बोलो। जय यहाँ आ गया है सर। आगे क्या करना बताइए ना सर, बोलिए ना सर। आने दो।
जय आती है। एक तू ही है जो मेरे एरिया में आने की हिम्मत कर सकता है। कैसा है भगवान, डरा हुआ है या बहुत गुस्से में है? मैं भगवान के लिए नहीं आया हूं, बर्थडे पार्टी के लिए आया हूं। ए, राहुल कोता है? आज के तो और जन्मदिन और आज सुबह तो पार्टी कोचे बंधुदेश होंगे क्या नो? राहुल किधर है बता? संपत 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 शांत शांत। राहुल कहाँ है? सभापति कहाँ है? राहुल किधर है वो बता। तूने राहुल के साथ क्या किया? राहुल अभी तक सेफ है, मैं फोन करता हूँ तुम बात कर लो। मुझे भरोसा नहीं है, तेरी सारी चालों से वाकिफ हूँ। आजाद राहुल कहाँ है बता, मैं अपने आदमी को वहां भेजूंगा, वो राहुल को वहां से निकालेगा और तू यहाँ से सभापति को ले जा। स्ट्रीट बैगर खेलेगा क्या? मतलब अगर तू गेम जीत गया तो मैं अपने कपड़े उतारूंगी और अगर मैं जीती तो तुझे कपड़े उतारूंगी। अगर मैं जीतता रहा तो मैं सारे कपड़े उतारूंगी। Shall we start? यानी कहाँ? वो तो अभी तक यहाँ नहीं आई। ये कौन है? मुन्ना, जय सभा को लेने गया। मुझे बताओ ये कौन है? संपत का लड़का है, जय से यहाँ छोड़ के गया। संपत का लड़का? Hey, hi man. Yeah. Hi. राहुल। मुन्ना। आज इसका बर्थडे है। सभापति तुमने ऐसा क्यों किया? बताना तो चाहिए था। क्या बताता मैं? मुन्ना ने मुझ पर पेशाब किया था ये बताता। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर ये बात मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझे जान से मार देगा। पर एक बार मुझसे बात करके तो देखते। भगवान मुन्ना के खिलाफ सुनना नहीं चाहता और मैं उन बाप बेटों के बीच अब काम नहीं कर सकता। जानते हो अब इसकी वजह से कितनी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी? तुझे पता है जय, अगर ये बात सबको मालूम पड़ती तो मेरी इज्जत करने वाले ही मेरा मजाक उड़ाते। और यहाँ मैं कोई दुश्मनी निभाने नहीं आया हूँ, अपनी इज्जत बचाने, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ चला आया हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ सभा। तुमने ना कोई गलती की है और ना किसी से डरने की जरूरत है। या कम ऑन गो ऑन टेक इट आउट या। जानवी कहाँ है? जानवी क्यों, वो कौन है? ये तुझे सेक्सी नहीं लग रही क्या? पॉपकॉर्न। जानवी इज लाइक जानवी यहाँ क्या करेगी, टाइम मिलते जय के साथ। जानवी जय के साथ है? हाँ उसके ही साथ है, तुम्हें क्या पता, कल रात तो वो दोनों एक ही कमरे में साथ में थे। Hey, shut up, huh? Hey, you. Guru. Hey, you just shut up, huh? Hey, तो अच्छा नहीं होगा। अब तू मुझे बता। जानवी और जय के बीच में क्या है? मुन्ना, मुन्ना, चल बता। मुन्ना, ये क्या कर? Shut up, I'm telling you, man. चल बता, जानवी किसके साथ है? हाँ, ये बात तो सभी जानते हैं। जय और जानवी। अबे हँसता बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा। वो लोग कई सालों से एक साथ। चल अब बोल। I told you to shut up. जय, जानवी, जानवी कहाँ है? बताएगा या मरेगा? Anybody want to talk? Nobody is going to save me. Guru, जानवी कहाँ है? बता। जय के घर पे। कुठे मिल रहा? अब तक पहुंच जाना चाहिए था, साला फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। संपर्क हाँ, लेकिन घूम रहा है। कोई गर्मी तो पड़ी है। फोन नहीं उठा रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तू भी जिंदा नहीं जाएगा।
जय 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 क्या हुआ? अचानक मुन्ना क्लब में आ गया था, सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने यार राहुल को मार दिया। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना? तुम वहाँ किस पोजीशन में, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है, अभी मुन्ना कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रही? मैं नहीं कर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू इतनी सेक्सी है ना, तुझे पाने के लिए मैं पागलों की तरह घूमता रहता हूँ। और तू यहाँ चाय के फ्लैट में यहाँ क्या कर रही है? हाँ, टच मी यू कैन फील मी, ये गाना उसी के लिए था ना? हाँ, व्हाट? जस्ट हाँ, आ रही हूँ। क्यों बुलाया मुझे? क्यों वो? हाय संध्या। जय, पेट भर गया? संध्या, ये देखो तुमसे मिलने आए। हाय जय। हाय। दादी माँ, ये जय है। जय, ये दादी। जी नमस्ते। ये अशोक भैया। हेलो। ये लक्ष्मी दीदी। नमस्ते। भाभी बोल, भाभी। दादी, कलकत्ता में मैं इन्हीं के गार्डन में काम करती थी। सिर्फ काम ही? इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। इतनी हेल्प? अच्छा, बाद में बताओगी लक्ष्मी दीदी। आओ जय। नहीं, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तो
तो बाहर ही रहने वाले हैं क्या? हाँ हाँ। फिर एक काम कीजिए, बाहर जाकर बाएं मुड़िएगा और फिर बाएं मुड़ने के बाद एक दाएं मुड़िएगा, फिर बाएं हाथ में काली माता का मंदिर है, वहाँ बगल पे बड़ा सा फाइव स्टार होटल है, वहीं रुकिएगा। फाइव स्टार होटल? लक्ष्मी, मैं भी यही कह रही थी, इतना बड़ा घर है बाहर क्यों? हमारा इतना बड़ा घर है और ये कहीं बाहर रहेंगे तो ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात होगी। बेटा तुम यहीं रुकना। संध्या। हाँ दादी। इनको रूम दिखाओ। दूसरे रूम की क्या जरूरत है, ये मेरे रूम में रहेंगे। ना, ये बात मुझसे कब कहोगे? मुंह बंद कर, मार दो। तुम चलो संध्या। I'll take it. आओ आओ, ये मेरा बेडरूम है। बैठो 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 ना। मैंने जस्ट तुम्हें कॉल किया, स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा अच्छा, अरे बैठिए बैठिए, पानी लेकर आई हूँ। एक गिलास पानी काफी है। रात में प्यास लगेगी तो क्या करेंगे, आपको तकलीफ ना हो इसलिए इसमें लाई हूँ। आप लोग बातें कीजिए। हाँ अरे बैठो। नहीं आप बैठो, बातें करो। मैंने यही तो रखा था। अरे क्या ढूंढ रही हो? मैं वही ढूंढ रही हूँ संध्या। देखिए यहाँ तो नहीं है। नहीं वहाँ नहीं, वहाँ नहीं। आप लोग बात कीजिए, मैं यही बैठकर आपकी बात सुनूंगी। लक्ष्मी दीदी, भाभी भाभी कहो ना। तुम नहीं गई तो तुम्हें दीदी बुलाऊंगी। ऐसा मत करो, मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुम आराम से बैठकर बात करो, मैं चलती हूँ। सिर्फ बात ही करना। बाय। जय, तुम यहाँ अचानक? जब तुमने फोन किया तो फोन नहीं उठा पाया, और जब मैंने फोन करना चाहा तो फोन खराब हो गया था। तो फिर मैंने फोन किया था, ये कैसे पता चला? लगता है फंस गया। बहुत अच्छा फोन है, सही वक्त पर खराब हुआ। जय जय जय। कल तो यही सुला कर गई थी, आज सुबह कहाँ चला गया? दौड़ोगे तो हमारे गांव की बस के पहले ही कलकत्ता पहुंच जाओगे। तुम दौड़ क्यों रहे थे? कुछ यादें कभी नहीं भूलती। हाँ, मैं समझी नहीं। जब मेरी उम्र 7 साल की थी और मेरी माँ या बहन आवाज देती थी तो मैं दौड़कर ही पहुंचता था। आज यहाँ आकर उन्हें की याद आ गई तो दौड़ने लगा। ये बात है। हाँ। गाँव का मार्केट देखोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा। चलो ना, कम ऑन। अच्छा, छोटू कैसा है? बहुत अच्छा है। और नर्सरी? एक दिन में क्या हो जाएगा? एक दिन में कुछ भी हो सकता है, जिंदा आदमी भी एक दिन में मर जाते हैं, पता है ना? क्या रे, इस एसआई पप्पू राय को तू ट्रैक्टर से कुचल कर मारना चाहता है क्या? हाँ, मैं तो तुझे मारना ही चाहता था। आ? लेकिन सारा ब्रेक नहीं साथ नहीं दिया, क्यों? आई नो, मैं जानता हूँ रे, तुम सब लोग अशोक को बहुत ही ताकतवर समझते हो, मुझे पता है रे।
मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है। ए, अगर मैंने इस बोतल का लास्ट पैक पी लिया ना तो प्रलय ऑफ 2012। तू नहीं समझेगा रे, चल बाजार चलते हैं, वसूली का टाइम हो गया। सॉरी। तुम हो, अच्छी हो ना मैडम। तुम इसको कहां से पकड़ के लाई हो? कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा? कम ऑन टेल मी, अगर कोई लफड़ा किया होगा तो इसकी बॉडी बॉडी काट कर गांव के कौवों कुत्तों को खिला दूंगा। अरे भाई मेरी हेल्प करो भाई। भैया गाड़ी रोको। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम मुझे अपने साथ बिठा ले भाई, प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा हाथ पकड़। अरे हाथ दे ना जल्दी, कम ऑन। एक्सक्यूज मी, थोड़ा गैप देंगे क्या? थोड़ा एडजस्ट करो मैडम। ए भाई, देखने में तो बहुत ढीला ढाला लग रहा है, तेरे अंदर इतनी पावर कहाँ से आई भाई? ये जॉगिंग करते हैं। जॉगिंग करता है? जॉगिंग करने से हाथ में पावर नहीं आती मैडम, पैर में पावर आती है। लुक एट दैट, डोंट लुक मी। कम ऑन, स्पीक आउट ब्रदर। अशोक ने मुझसे बात करने के लिए मना किया है क्या? मैं वैसे बहुत ही अच्छा आदमी हूँ। आई एम वेरी गुड बॉय, यू नो। बॉय? या बॉय। लोग मुझे समझने में गलती कर देते हैं। मैं इस गांव में चंचन सेवा करने का काम करता हूँ। चंचन सेवा नहीं, जन सेवा होता है। जन सेवा क्या? ओके, चंचन सेवा है ना, जनजन सेवा नहीं। जन सेवा, चंचन सेवा। ठीक है, तुझे जो बोलना है बोल। क्यों भाई मुझसे पक रहे हो क्या? मैंने क्या गलत कहा? जो तुमने कहा वही मैंने कहा। Look there, look at there. Idiot. अच्छा, एक झटके में खींच लिया। वैसे तुम करते क्या हो भाई? पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट, ओके। आई केम टू अ करेक्ट प्लेस। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सेल फोन ऑफ है, घर भी लॉक है, आदमी गायब है। मैं उसे तभी से ढूंढ रहा हूँ। आई नो हाउ टू ग्रैब यू। यस, ऐसे क्यों देख रहा है? हेलो, लुक एट माई आईज। तू किसी को मार कर भाग गया है और उसके सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। अगर मैंने ऐसा FIR बनाकर तुझे अंदर डाल दिया तो तू समझ ले आउट। इसीलिए तू मेरी बात सुन, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आकर ट्रांसफार्मर ठीक कर दे। ओके गुरुजी। यस। बुरा ना माने तो एक बात कहूं? बोलो भाई। सॉरी। सॉरी किस लिए? इसके लिए। मैं कहाँ हूँ? बाप रे। ये है हमारा मार्केट, यही है मेरा शॉपर स्टॉप, सिटी सेंटर एंड एवरीथिंग। जय। हाँ? देखो कांच की चूड़ियाँ, शहर में ऐसी चूड़ियाँ नहीं मिलती, अच्छी है ना? मुझे पहनाओगे प्लीज? संध्या, मुझे ये सब पसंद नहीं है। चुप खड़े रहो, चुप रहो। रेडी? हाँ रेडी हूँ मैडम। वेट। परफेक्ट। चंदू रेडी? हाँ। ये क्या है संध्या? अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? उसकी तरह पोज दो ना प्लीज। ऐसा पोज जोकर समझा है क्या? हे भगवान,
ऐसे नहीं ऐसे, देखो ऐसे करो ना स्टाइल से। यस हेलो कूल दैट्स ओके। और ये कैसा? नाइस चंदू चंदू व्हाट? वेट 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 ए अरे अरे क्या हुआ, इनसे क्या परेशानी है? बता दिए या ऊपर मार, ऊपर मार। संभाल के। इसने कोई मन्नत मांगी है क्या? आहा, ये हमारे गांव का खेल है। ओ। जो मटकी फोड़ेगा उसी को सारा पैसा मिलेगा। You know, it's like a jackpot. जय, जय। हाँ? एक बार ट्राई करोगे? नहीं रहने दो। तुम्हारे शहर में ये खेल कहीं नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। ये क्या जय? अशोक भैया कह रहे हैं तो मानते क्यों नहीं? एक बार ट्राई तो करो। छोड़ो संध्या, मुझसे नहीं होगा। ना मत कहो ना, प्लीज प्लीज। शिवा हाँ भाई, मारा ठीक है भाई। ये लो ट्राई करो, आंखों पर पट्टी बांधो अच्छी तरह, कुछ दिखना नहीं चाहिए। ये तोड़ पाएगा क्या? खड़े रहोगे, ट्राई तो करो। बोर क्यों नहीं हो? मुझे कुछ डाउट है, पूछो क्या? पूछो। देखने में तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लगते हो, लेकिन अंदर बहुत दम है। हाँ वो सब छोड़ो, क्या पूछना है? तुमने एक ही शॉट में मटकी कैसे फोड़ दी? कोई भी फोड़ सकता है, टाइमिंग का खेल है, तुम भी फोड़ सकती हो। ए कुछ भी मत बोलो, तुम कराटे भी जानते हो ना? हाँ थोड़ा सा। मैंने सही गेस किया था, सीने पे पत्थर फोड़ना, गाड़ी के टायर के नीचे हाथ रखना, गर्म ईंट को तोड़ना, ये सब कुछ किया होगा ना? मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ सब कुछ किया है। छोटू हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय कैसा है? हाँ वो भी ठीक है। जय तुमसे कुछ कहना चाहता था, बोला क्या? बोला ना, तुम जय के साथ क्यों नहीं आए? मैं गांव चला गया। तो तुम कलकत्ता में नहीं हो? नहीं। तो फिर नर्सरी की देखभाल कौन कर रहा है? वो क्या है, अचानक क्या हुआ? हाँ लाओ मैं बात करता हूँ। छोटू एक मिनट। छोटू तू कैसा है? जय हाँ मैं बहुत अच्छा, तुम बताओ। संध्या से कुछ बोला नहीं होगा ना? अभी तक तो नहीं बोला। बोलना भी नहीं जय, 20 सालों का सपना तेरी आंखों के सामने है। एक अच्छे सपने के लिए सारी पुरानी बातें छुपा दे, अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। उसे कुछ मत बताना जय, प्लीज मेरी बात मान जा। जय मानेगा ना? ये बास्टर्ड्स, अरे क्या कर रहा है? मुझे मारने के लिए आए थे बास्टर्ड्स। Hey!
को अपना पति बनाने के लिए एक ग्लास से मैं इस पानी में दिए छोड़ रही हूँ। किसने रखा? जोटू ने रखा, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। और कौन कौन यहाँ आया था इससे पूछो। बोल ना, बोल, बोल तो क्यों नहीं, बोल। नहीं बोला ना, हमने बोल, हमने जोड़ दिया, हमने नहीं बोला था। क्यों नहीं? हमने कुछ पता नहीं। बोल, नहीं मालूम। मुझे हर कीमत हर हाल में वो चाहिए। मुझे कुछ पता नहीं। कितनी बार समझाया कलकत्ता से वापस मत आ। क्या हुआ देखा ना तूने? बस करो अशोक। तू चुप कर उर्मी। तू कौन है भाई? तूने उन गुंडों को कैसे मारा? मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। मदद करने की कोई वजह नहीं होती अशोक।
आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। उस शिवशरण को हम आज ही मारेंगे। अशोक भैया, ऐसा है पप्पू संभा शिव को अच्छी तरह से जानता है, अगर उसको दारू पिलाए तो सब कुछ उगल देगा, सब कुछ बक देगा। शराब पिलाने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ लूंगा। बाबू भाई घर का ख्याल रखना। ठीक है भैया। संभा शिव, जो मेरे खिलाफ जाएगा उसको काट दूंगा। वो गांव के पेड़ काट के स्मगलिंग करता था, उसने सारे गांव वालों को परेशान करके रखा था, सभी लोग डरे हुए थे। मैंने गांव वालों को हिम्मत दी और एक एप्लीकेशन तैयार की। MRO, कलेक्टर, MLA, MP, मिनिस्टर सबसे मिली। फाइनली अरेस्ट वारंट इशू हुआ। जब उसे पता चला तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अशोक भैया के कहने से मैं कलकत्ता चली गई। इसके आगे तो तुम जानते हो। सॉरी जय, तुम्हें खामखा मेरी वजह से तकलीफ झेलनी पड़ी। तुम कल ही कलकत्ता चले जाओ, यहां मत रहो। जब तक संभाषण संध्या रहेगा मुझे परेशान करता रहेगा। तुम चले जाओ जय। मैं यहां पर क्यों आया हूं यह तुम्हें नहीं पता, और मजबूरी है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जाओ, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। ए, आज तुझे लास्ट पैक पीना ही पड़ेगा। मैंने लास्ट पैक पी लिया तो प्रलय आ जाएगा बेटा। कोई बात नहीं, आने दे प्रलय, तू लास्ट पैक। नमस्ते सर। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया, अभी आप बिजी हैं, मैं बाद में मिलता हूँ। यू कंटिन्यू। यार कंटिन्यू करने के लिए शो थोड़ी चल रहा है, क्या काम है? हाँ तुम यही रोको। यहाँ क्या चल रहा है बताएंगे? अरे वो, ये तुमको क्या बताएगा साहब, मैं तुमको बताता हूँ। हाँ बताइए। 6 महीने पहले तक मुझे नहीं पता था साहब कि शराब क्या चीज होती है। इसने मुझे लास्ट पैक की स्टोरी सुना सुना कर एकदम बेवड़ा बना दिया साहब, और अभी पी भी नहीं रहा है साहब। लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय, बहुत बड़ा प्रलय आ जाएगा ऐसा बोलता है साहब। मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई इसी की वजह से। इसी की वजह से साहब। ए, अगर तूने आज लास्ट पैक नहीं पिया ना तो मैं आज तेरा मर्डर करके जंगल में छिप जाऊंगा। अरे यार तू ही जरा समझाना। क्या मैं? सही है। आप बता, आप देखता हूँ कहाँ से आता है प्रलय। यहाँ अब तो ठीक है। ओके साहब। कहाँ गया वो? सर अभी आपने लास्ट पैक पीकर उसे मारा था ना, वो भाग गया। मैंने लास्ट पैक पीकर उसको मारा? हाँ मारा। अरे वो भाग गया? हाँ। इधर या उधर? उधर। उधर? यस। सीधा उधर ही भाग गया? हाँ उधर ही भाग गया। मैंने उसे मारा क्या? आपने ही उसे मारा, मैं उसका गवाह हूँ। ओके, तुमने मुझ पर भरोसा किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। क्या फायदा सर? हाँ? अरे वो बेवकूफ अशोक आप पर भरोसा नहीं कर रहा है। सेवा शिवम को पकड़ने के लिए पप्पू से पूछने की बात कर रहा है। क्या कहा उसने? अपने मुंह से नहीं कह सकता सर। बोलना भाई क्या कहा उसने? गंदी गालियां दे रहा था सर। ये गाली दिया? क्या गाली दिया? पापी कुत्ता कमीना का। पापी कुत्ते कमीने। क्यों रे? इतना नहीं, उसने बेवड़ा भी कहा सर। कुत्ता बेवड़ा। कुत्ते कमीने बेवड़े। एनी मोर? इतना ही नहीं सर, आपका सपोर्ट करने के लिए मुझे भी गाली दी सर। तुझे भी गाली दी? हाँ। क्या गाली दी भाई? अरे क्या रे हीरो, ऐसा कहा सर। क्या रे हीरो, मुंह में उंगली रखूंगा तो भी नहीं काट सकता, ये कहा सर। ओह हो, हीरो के बच्चे मुंह में उंगली डालने के बाद भी नहीं काट सकता। ओके, पहले की 2 गालियां तो समझ में आती हैं, लेकिन बाद में जो 2 गालियां दी उसमें करेक्शन करना चाहिए ना भाई। सर हा? मेरी बात आप जाने दीजिए। संभा स्वामी को आपसे पहले पकड़ने का दावा किया है। इम्पॉसिबल। नो वे। नो वे? यस। हाउ? वो जो शिव शरण है ना, वो पास के जंगल में
झोपड़ी बनाकर सबके साथ रहता है। हाँ। पप्पू राय ओनली नो दैट, और उस डेंजरस प्लेस को सिर्फ पप्पू राय ही जानता है। रियली रियली सॉरी सर। अब किस लिए सॉरी? वो नया लौंडा कौन था? पता नहीं भाई, कल इस गांव में आया वो। भैया मैंने उसको मटकी फोड़ते देखा बाजार में। मुझे पहले बताना था ना। लास्ट पैक पीने के बाद प्रलय आ जाएगा। नमस्ते साहब, आप महान हैं साहब। क्या हो गया है भाई? साहब जी क्या है, इतने लोग जमा हैं? साहब जी आपने कमाल कर दिया साहब। मैंने क्या कमाल किया? देखा भाइयों, सब कुछ करके इतनी मासूमियत से पूछ रहे हैं जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ? मैंने कुछ किया था क्या? साहब जी इन गांव वालों की खुशी के लिए आपने अपनी जान को हथेली पर रखकर आखिरी पैक पीकर इसे मार डाला साहब। लेकिन आप ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं जैसे आपने कुछ किया ही नहीं है? मैंने साहब, आप भगवान हैं। भगवान भगवान है साहब, भगवान आप मेरे भगवान। ठीक है भाई ठीक है साहब, मैंने शिव शरण को मार डाला। रात को आपने कहा था ना इसे मारे बिना चैन से नहीं सोऊंगा, और इसीलिए इतने दिनों से आपने आखिरी पैक भी नहीं पिया था। उसे मार करके आप हमें उसके आतंक से बचाएंगे, ये आपने ही कहा था ना साहब? मैंने कहा था क्या? हाँ साहब। इसे मैंने सच में मारा है क्या यार? अगर आपने कहा कि आपने उसे नहीं मारा है तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी साहब, इसलिए अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। हाँ। आपने मामूली आदमी को नहीं मारा है। हाँ। वो संभा शिवम है, बहुत खतरनाक भयानक गुंडा। ऐसे खतरनाक आदमी को मारने वाले आप हीरो हैं, वीर हैं आप, वीर। यस। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो जैसे इसको लटकाया गया है ना, वैसे ही लोग आपको मार के लटका देंगे। साहब आप एक रियल रियल हीरो हैं। ये शिव शरण को मार पाएगा, तुम सब पागल हो गए हो क्या? मुंह बंद कर, कंट्रोल योर टंग। कंटिन्यू बहुत अच्छा है। यस, शिव शरण को मारा है मैंने। मैंने आई ओनली किल हिम। यस, तेरे जैसे लोग माने या ना माने मुझे परवाह नहीं है, बेवकूफ कहीं के। जय साहब जी, फोटोग्राफर को बुला। ए धरा। हाँ साहब, कम ऑन साहब जी, लाश के पास जाइए, उसके साथ में फोटो खिंचवाइए। ओके, अच्छी फोटो आएगी। जाइए जाइए पास में। साहब थोड़ा पास में आइए ना साहब, आइए ना साहब। अरे क्या कर रहे हैं, आइए ना आइए, थोड़ा सा और पास में। अरे कहो ना, पास आइए। हाँ ऐसे ही चल खींचना। सबको बता दूं, सच्चाई दिखा दूं, मैं तो दिल से दूं।
दुआ करूं, मन बोले है बता दूं। बड़ी झुंडा मुँह इनको चांद या सूरज कहूं, जग में इनका ही नाम जपूं। ये तो है पांडू, ये तो है पांडू, ये तो है पांडू। हाँ ये तो करे सभी लोगों की कदर, काले धंधों पे है इनकी नजर, पिंगे टन रहे करते हैं जनसेवा। अरे रुक रे जय। जय। अरे संध्या, एक छोटा सा गिफ्ट मेरे लिए। हाँ देखो। संध्या मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। संध्या मेरी बात मानो। वो देख रहे हो ना, और यहाँ से वहाँ तक जितनी जमीन है ना, वो सब मेरे पिताजी की है, पर उन्होंने वो सारी जमीन गांव वालों को दान में दे दी। मेरे पिताजी बहुत ही दयालु इंसान थे, और वो जो देख रहे हो ना, संभा शिवम को पप्पू राव ने नहीं मारा। तो फिर किसने? मैंने मारा था तुम्हारे लिए। और तुम्हें एक बात और बताता हूँ, मेरे पापा के मरने के बाद मैं अपनी माँ और बहन के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कलकत्ता आया था। मोहल्ले के लोग मेरी माँ बहन को घूरते थे। मेरा सपना था माँ की अच्छी तरह देखभाल करना और बहन के लिए अच्छा लड़का ढूंढकर उसकी शादी करना। लेकिन मैंने अपनी माँ और बहन की इज्जत अपनी आंखों से लुटते हुए देखी और कुछ नहीं कर पाया। ये बात मुझे हमेशा कचोटती है संध्या, कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया, नहीं बचा पाया। दुखी लोगों को सुख देने वाला, बेबस लोगों को हिम्मत बढ़ाने वाला और अनाथों का साथ देने वाला आज के जमाने में कोई नहीं है। लेकिन जिसने मुझे ये सब दिया वो कोई और नहीं, भगवान था। वक्त किया गया एहसान कभी चुकाया नहीं जा सकता। मानो कि आदमियों को मारना भी गलत है, लेकिन उसने जो एहसान किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता संध्या। तुमने मुझे क्यों बताया? अब तुमने क्यों बताया? तुम अगर कहते कि मुझसे प्यार नहीं है तो उतना दुख नहीं होता जितना अभी हुआ है। ऐसा क्यों किया जाए? मेरा खोया हुआ प्यार मुझे वापस मिल जाए इसलिए बताया। अगर मैंने गलती नहीं की है तो मेरे सच्चाई बताने के बाद समझ जाओगी मैंने धोखा नहीं दिया, इसलिए बताया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ संध्या, मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूं। मैंने जिसे भी चाहा वो मुझसे छिन गया। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था इसलिए। तुम चुप क्यों हो गए जय? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अगर तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सुनकर तुम्हें भूल जाऊंगी तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी, मरते दम तक, हमेशा के लिए, फॉरएवर। तुमसे प्यार करती हूँ जय, बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ जय।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती, जब तक मेरी सांसें चलती रहेंगी मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। जय, आज तू जिंदा नहीं बचेगा। जगह पर तुम होते तो यही करते, हम अपना हिसाब बाद में करेंगे। राहुल मरा था, अब तू भी मार, मार। अशोक फोन दो। क्या हुआ? फोन दो। हेलो संध्या, तुम कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ? संध्या, संध्या, जय, संध्या को क्या हुआ? गाड़ी की चाबी दो। संध्या को क्या हुआ? तुम तो अब तक सब समझ चुके होगे, गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूंगा। अशोक, ये मेरी लड़ाई है, मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। Thank you.
संध्या कहाँ है? संध्या बता, संध्या कहाँ है? संध्या कौन है? मैं उसे नहीं जानता। नहीं जानते तो संपत वहां कैसे आया? गुरु गुरु ने उसे बताया। गुरु ने? हाँ उसने। उस दिन जो तुझे मैंने ऑफर दिया था वो तुझे पसंद नहीं है, लेकिन गुरु को पसंद आ गया। और ये सारा प्लान भी गुरु का ही है। और वहां तुझे मारने के लिए भी गुरु ने भेजा। फोन करो है? फोन करो उसे। कुलकर्णी, जय को मार दिया क्या? हेलो कुलकर्णी, जय। रुक जा, क्या है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे कुलकर्णी, ये सब उसने किया। जाए मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे नहीं जा सकता। आ जाए, ये भगवान कब से तुझे ढूंढ रहा है, पर तू मिलने नहीं आया। पर एक लड़की के लिए दौड़ा चलाया, क्यों जाए? क्यों? मुन्ना को मार के और मुझे छोड़कर कैसे गया तू? मैंने मुन्ना को क्यों मारा ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसने बेरहमी से मेरी आंखों के सामने जानवी को मार डाला। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मुन्ना मेरा बेटा था। He was my son! और तूने उसका साथ देने का वादा किया था, भूल गया? मैंने इंसान का साथ देने का वादा किया था, शैतान का नहीं।
नो जय, नो। बेटा चला गया, इज्जत चली गई, पावर चली गई, और पावर मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है जय। सोचा था आपको बेटे के मरने का दुख होगा, लेकिन आपको तो पावर जाने का दुख है। नो जय। दादा दुश्मनी मेरी और आपकी है, संध्या को छोड़ दीजिए। आप जानते हैं आज तक मैंने किसी को बेवजह नहीं मारा, लेकिन वजह हो तो छोड़ता भी नहीं। आपकी दुश्मनी मुझसे है, लेकिन छोटू को आपने बिना वजह मारा। अब आप संध्या को लाए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अगर किसी को चाहा है तो वो है संध्या, इसलिए आप संध्या को छोड़ दीजिए। संध्या चलो। यानी भगवान को एक लड़के के लिए गन दिखाया तूने, इस लड़की के लिए जाए जिंदगी के लिए। तुझे जिंदगी मैंने दी थी जाए, तेरी माँ और बहन के जाने के बाद तू फुटपाथ के ऊपर आवारा की तरह खड़ा था, भूल गया मैंने तुझे जिंदगी दी थी जाए। अगर ये भगवान नहीं होता तो ये जाए कभी नहीं होता। उसके बदले में तूने क्या किया? 20 साल की जिंदगी दी है आपके एहसान के बदले, मैंने 20 साल की जिंदगी दी है दादा। दादा गन चलाकर जान लेना भले आपने सिखाया हो, लेकिन जान बचाना मैंने खुद सीखा है। आज तक सर झुकाकर आपकी बात सुनता था, लेकिन आज जवाब देने आया हूं। मैं यहां आपको मारने के लिए नहीं आया हूं, संध्या को ले जाने के लिए आया हूं। संध्या को छोड़ दीजिए, मारने के लिए मजबूर मत कीजिए दादा, मुझे मजबूर मत कीजिए। तू भगवान को धमकी दे रहा जाए। सबसे बड़ा भगवान ऊपर बैठा हुआ है, अंजाम बुरा होगा जाए। अंजाम की परवाह मैं नहीं करता जाए। तूने गन मेरे लिए उठाई थी, तेरी जिंदगी भी मेरे लिए है, तू सब कुछ मेरे लिए करेगा जाए, मेरे लिए। और आज तो मुझे इस मामूली सी लड़की के लिए मारेगा जाए, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा जाए, कभी नहीं।